सो हे गाइस वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ द सर्वर। तो यार मैंने कर लिया है माइनक्राफ्ट का सर्वर ज्वाइन और अब मैं उसमें बना रहा हूँ एक ट्रेडर हॉल। ट्रेडर हॉल में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में बनाऊंगा अपनी एक शॉप और शॉप में मुझे सेल करने हैं बहुत सारी बुक्स। तो बुक्स के लिए मुझे एक ट्रेडर हॉल बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडर हॉल बनाने के लिए या तो मैं सिंपल सा मैकेनिज्म बताता हूँ कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है यार। पहले तुम्हें बनानी है एक कैविटी जैसे मैंने बनाई है, एकदम एंड में बनानी है तुम्हारे घर के। उसके बाद चाहिए तुम्हें स्टिकी पिस्टन, यहाँ पे तुम्हें लगाना है ट्रैप डोर, यहाँ पे तुम्हें लगाना है रेडस्टोन रिपीटर, फिर एक लीवर। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चलना चाहिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए नॉर्मल यहाँ पर डार्क ओक ब्लॉक्स लगाए हैं। और डार्क ओक ब्लॉक्स को देखो यार तुम्हें लगाने कैसे, जैसे मैंने लगा रखे ना सेम टू सेम एग्जैक्टली तुम्हें वैसे लगाने ताकि तुम्हारा विलेजर एस्केप ना कर जाए। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक जॉम्बी विलेजर रखा हुआ है। अब जॉम्बी विलेजर को बनाना कैसे है, कैसे तुम्हें इसको क्या ज़रूरत है ट्रेडर हॉल करने की, तो वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। बस वीडियो को देखते रहो। अब ऐसा करते हैं कि एक विलेजर को और लेके आते हैं। जैसे ये जो विलेजर है इसको ऊपर लाना है। ऊपर लाने का तरीका सिंपल है। पहले आपको जाना है पिस्टन के ऊपर, लीवर ऑन करना है, पिस्टन बड़ा ऊपर हो जाएगा और आप ऊपर ले आओगे इसको आराम से। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप अपने विलेजर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पर भी। और इतना करने के बाद आपको चलते जाना है यहाँ पर और जहाँ पे भी आपको लगाना है उसे। अब मैं देखो उस तरफ नहीं लगा रहा क्योंकि वहाँ पे ना ज़ॉम्बी विलेजर है और ये विलेजर ना डरता है उससे, ये जो हमारा ट्रेडर है। एक्चुअली में ये है हमारा लाइब्रेरियन। विलेजर से हमने इसको लाइब्रेरियन बना रखा है और इसको हमने जॉब दे दिया लाइब्रेरियन की, तो ये डर रहा है काफ़ी ज़्यादा बार बार उस ज़ॉम्बी लाइब्रेरियन के पास जाने में। तो अब आपको लाइब्रेरियन को जब इसमें फंसाना है ना, तो फंसाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको ना कैरेट फेंकनी है। देखो इसने ये गया ना वहाँ पे, कैरेट और लेक्टर्न आपके हाथ में होना चाहिए बिल्कुल। कभी कभी हो सकता है यार थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ जाए, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, आएगा तो सही है, पक्की बात है। थोड़ा इधर उधर जा रहा है। एक चीज़ का याद रखना यार, ये अपना डोर हमेशा क्लोज रखना, क्योंकि ये ना डोर खोल के निकल जाते हैं बाहर और फिर गायब हो जाते हैं। तो ओके ओके ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ओके फंस गया ये, यहाँ पे मैंने लगा दिया लेक्टर्न, बन चुका है यार, फाइनली बन चुका है। तो अब देखो यार सिंपल सा मेरा घर है, उसके पीछे मैंने बनाई एक कैविटी। तो अब इस कैविटी का पता काम क्या है, काम ये है कि जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ ना इस विलेजर को, तो ये एस्केप तो करेगा नहीं। और इस कैविटी में मैं एक जॉम्बी को ले आऊँगा और जैसे ही मैं जॉम्बी को ले आऊँगा वो जॉम्बी इस विलेजर को मारेगा और ये विलेजर बन जाएगा जॉम्बी विलेजर, यानी कि जॉम्बी लाइब्रेरियन बन जाएगा ये। और उसके बाद जैसे ही जॉम्बी लाइब्रेरियन से वापस लाइब्रेरियन बनेगा, जैसे कि अभी ये है, तो ये हमें बहुत सस्ते में चीज़ें देगा। और ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है जिससे बहुत सारे यूट्यूबर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेक्नो गेमर्स हो गए, उन्होंने भी वो भी अपने उन ट्रेडर हॉल में यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेडर हॉल बनाते हैं इसलिए ताकि यार तुम ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सको, जॉम्बी से उसको ट्रीट कराओ और वापस से तुम्हें डिस्काउंट में बहुत सारी बुक्स मिले। तो मैंने यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बना के रखा हुआ है। अब तुम्हें जॉम्बी से उसे वापस बनाना कैसे है विलेजर में, वो तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें चाहिए होगा यहाँ पे गोल्ड, क्योंकि तुम्हें बनाना पड़ेगा एक गोल्डन एप्पल। एक जॉम्बी विलेजर के लिए तुम्हें एक गोल्डन एप्पल चाहिए, तो मैं यहाँ पे गोल्ड ले लेता हूँ, क्योंकि एप्पल तो मैं अपने ट्री फार्म से निकाल लूँगा। मैंने ट्री फार्म ही बना रखा है। आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं एक सिंपल सा ट्री फार्म। और यहाँ पे मैंने शुगर केन फार्म भी बनाया है, ये भी बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर दो उस वाली वीडियो को अगर तुम्हें अब तक अच्छी लगी है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे मेरे यहाँ पे चेस्ट में देखते हैं, यहाँ पे होगा मेरा एप्पल होंगे यहाँ पे। हाँ 6 एप्पल है, एक एप्पल ले लेते हैं, अभी एक ही की ज़रूरत है। यहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग AFK का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्वर से किक हो जाते हैं, लेकिन उसको तुम देखो मत, वो चैट जो है वो चलती रहती है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, लोग बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये सब चलता रहता है। मैं यहाँ पे गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ। एक एप्पल को लगाना है बीच में, फिर साइड में सारा गोल्ड लगाना है, ये बन गया हमारा गोल्डन एप्पल। फिर हमें कुछ नहीं करना है यार, इस पोशन को हमें फेंकना है उसके ऊपर और हमें गोल्डन एप्पल भी खिला देना है उसे। अगर तुम्हें ये पोशन बनाना नहीं आता तो तुम मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं तुम्हें एक शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं। और ये देखो एक नॉर्मल विलेजर हमें देता है 24 पेपर में एक एमरल्ड, लेकिन जब ये विलेजर अब देखना जब ये बन जाएगा वापस से, तो ये हमें डिस्काउंट देगा जो कि पक्की बात है। अभी देखना थोड़ा टाइम लगता है, करीब करीब 3-4 मिनट लग सकते हैं तुम्हें, तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया है और रात का टाइम हो चुका है। ये देखो ये बन चुका है फाइनली, और अब देखते हैं कि हमें कितने एमरल्ड्स देगा कितने पेपर में। और देखो यार इसने हमें को डिस्काउंट दे दिया, 18 में दे रहा है हमको ये, और इसने बुक्स का भी डिस्काउंट कर दिया। तो देखो यार ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अच्छे अच्छे लाइब्रेरियंस को यहाँ पे लेके आओ, बहुत सारी बुक्स के साथ ट्रेड करो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।